शास्त्रों का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, और हम सत्य सनातन धर्म पर चूंकि चर्चा लगातार कर रहे हैं, सत्य सनातन धर्म के ह्रास और हिंदुओं के पतन का क्या कारण है, यह हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य भी है। तो शास्त्रों का जो एक मतलब है उसमें एक ही सत्य मैंने निकाला है कि जो अहम को गला दे और सत्य से मिला दे, आपके अहम को गला दे और आपको सत्य से परिचित करा दे, उससे आपका परिचय करा दे, वही शास्त्र। ये हर पुस्तक को एक शास्त्र कहने का जो चलन चल पड़ा है हिंदू धर्म में या सत्य सनातन धर्म में, ये बड़ा गलत है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। और दूसरी बात, अध्यात्म कोई वस्तु नहीं है जिसे आप कमरे में सजा कर रख दें अन्य चीज़ों की तरह। अध्यात्म इस जीवन की बुनियाद है, मनुष्य के जीवन की बुनियाद है अध्यात्म। ये कोई वस्तु नहीं है सजाने की। पोंगा पंडित आपको इसी बात पर पगलाए जा रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा, आत्मा क्या होगा। एक पता नहीं कौन सा शास्त्र लिख दिया है, मरने के बाद उसको पढ़ा जाता है 11-12 दिन, पता नहीं क्या क्या उससे भ्रांतियाँ पैदा होती हैं, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं सत्य सनातन धर्म के ह्रास और हिंदुओं के पतन का बहुत बड़ा कारण है। अरे भाई, सीधी सी बात है, मरने के बाद क्या होगा, पंच तत्व में मिलीन हो जाएगी, मिट्टी का बना हुआ शरीर है, पदार्थों से बना है, पदार्थ में मिल जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो, आपका जो नाम है खत्म, जो आपकी पहचान है वो भी खत्म, तो फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मृत्यु शरीर की होगी, वृत्ति की थोड़ी होगी, वृत्ति का पुनर्जन्म होता है, मनुष्य का थोड़ी पुनर्जन्म होता है, वृत्तियों का पुनर्जन्म होता है, मनुष्य के शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म होता है तो किसका, जो वृत्ति प्रकृति के बंधन में है उसका। इस प्रकृति के बंधन से आजाद होने को जीवन मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं प्रकृति के बंधन से आजाद होने को। किसी और चीज़ की कोई मुक्ति नहीं होगी। ये जो आपको बताया जा रहा है